गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कल मैंने जागो का ब्लॉग आज मैंने जागो का ब्लॉग पोस्ट कर दिया है सुबह सुबह, तो वो आप देख लीजिएगा। अभी आज बारात है और आज मैंने बिल्कुल सिंपल लुक रखी है, क्योंकि और कल रात मेरी हैवी लुक थी, तो आज मैंने सोचा कि सिंपल टॉपर्स पहनूंगी। जस्ट चोकर डाला है, चूड़ा तो है ही और सूट है, तो बाल मेरे जो हैं वो स्ट्रेट लुक है पर सिंपल। और आज हम जा रहे हैं शादी में, दीदी तैयार हो रहे हैं, मम्मी तैयार हो गए हैं, पति देव तैयार होके गए हैं, और अभी हम शादी आपको वहीं पर मिलेंगे, तो बने रहिएगा ब्लॉग में, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो अभी हम शादी में हैं जो पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे हो रही है शादी हमारी, जो दीदी है उनकी शादी भी यहीं पे होगी, सेम वेन्यू है। और अभी मम्मी, मैं और दीदी और ताई जी बैठे हैं इधर सारे। अभी धीरे धीरे जो गेस्ट आने शुरू हुए हैं, क्योंकि हम आनंद कारज हुए थे शादी में, तो वो हम देखने नहीं जा पाए क्योंकि बारात डायरेक्टली वहाँ आई थी और आनंद कारज आए थे। और ये हमारे जो बेबी लेके बैठे हैं, ये आंटी हैं, बहुत ही अच्छे, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं हमारे ब्लॉग्स को और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। खुद से बोलते हैं कि कुल्लू ब्लॉग ना। ये हमारी दूसरी आंटी जी हैं, ये भी बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ सारे बैठे हैं, वेट कर रहे हैं दूल्हा दुल्हन की एंट्री कब होएगी। बहुत अच्छे यहाँ पे अरेंजमेंट्स थे जो शादी के, और खाने पीने का जो भी था वो अंदर भी था, और ये फास्ट फूड का स्टॉल था बाहर। मैं आंटी के साथ आई थी खाने। बेड पे चढ़ाई खुश डीजे चल रहा था, सॉन्ग चल रहा था, इस पे 52 गज का दामन पहर, और इस पे ये डांस कर रही थी तीनों। बहुत ही क्यूट सी थी तीनों ही, मुझे तो बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं बच्चे और लड़कियां तो खासकर। बहुत तीनों की ड्रेसेस भी बहुत प्यारी थी और अच्छे से डांस कर रही थी। और यहाँ पे ये बारात की साइड से है जो डांस कर रहे थे, बाकी बारात पूरी आ चुकी थी टेंट के अंदर, और इधर दूल्हा दुल्हन की जो है वो एंट्री हो रही थी। इस साइड ये हो रही है एंट्री, और पति देव हैं सबसे लास्ट में, और इन्होंने एट अ टाइम अपने जो कपड़े वगैरह थे वो लेके आए थे ये, क्योंकि इनके पास टाइम ही नहीं होता, बहुत ज़्यादा बिजी हैं ये, पता नहीं किस दुनिया में बिजी हैं ये, हमें भी नहीं पता। बट चलो, हो गया था जो भी अरेंजमेंट्स हमें हमारी तरफ से करने थे। अभी यहाँ पे हो चुकी है हमारे कपल की एंट्री, और ये शादी निपटा के मेरे को जाना था अपनी सिस्टर के घर पे। फिर मैं 4 बजे यहाँ से निकल गई थी शाम को, तभी मैं विदाई वगैरह का ब्लॉग जो है वो नहीं बना पाई। और यहाँ पे सारा हो रहा है, अभी इनकी एंट्री होएगी, वरमाला होएगी, देन फिर जो है सारे शगन डालते हैं जो दूल्हा दुल्हन को वो डालेंगे। तो इस तरह से थी कुछ हमारी ये शादी, और अभी एक शादी है हमारी 7-8 को, वो भी बहुत खास है। और जो आंटी जी मैंने आपको दिखाए थे ब्लॉग में अभी, जिनको मैं बोलती कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, उनकी बेटी की शादी है, और उसका तो मैं सारा ही प्रॉपर जितने भी इवेंट्स होंगे जो भी होएगा मैं सारा फंक्शंस का ब्लॉग शूट करके पोस्ट करूँगी। यहाँ पे पापा मम्मी दीदी और हम खड़े थे सारे, क्योंकि हमें भी फ़ोटो खिंचवाने जाना था। और इधर हम फिर शाम को खाने आ गए थे, पति देव थोड़ी देर के लिए मिले थे मुझे रास्ते में।